दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम के साथ किसी भी तरीके की केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपके लिए छोटी सी अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पेटीएम केवाईसी पर काफ़ी दिनों से बैन लगा हुआ है। लगभग 11 मार्च के दिन से ही पेटीएम केवाईसी पर बैन लगा दिया गया था। आरबीआई ने पेटीएम के अंदर आईटी ऑडिट में यानी कि कुछ कंसर्न पाए थे, जिसके बाद पेटीएम को अपना आईटी ऑडिट कम्प्लीट करना था और आईटी एडवाइज़र यानी कि जो आईटी ऑडिटर होते हैं उन्हें एक क्लेम दिखाना था, जिसके बाद पेटीएम को क्लियर हरी झंडी दिखाने के बाद ही पेटीएम अपने किसी भी नए यूज़र को सेविंग अकाउंट का अकाउंट ओपन करने की इजाज़त दे सकता था। यहां पर विजय शेखर शर्मा जो है यानी कि पेटीएम के सीईओ फाउंडर हैं, उन्होंने भी यहां पर वॉलेट केवाईसी पर भी बैन लगा दिया था और साथ ही साथ यहां पर एक ब्लॉग पोस्ट किया गया था पेटीएम की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि पेटीएम के साथ किसी भी यूज़र के पुराने अकाउंट को सेफ रखा गया है। यहां पर अब वॉलेट केवाईसी से रिलेटेड अच्छा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पेटीएम की वॉलेट केवाईसी को दोबारा से सुचारू किया जा सकता है और इसके ऊपर पेटीएम की टीम की तरफ से बात भी की जा रही है, क्योंकि पेटीएम वॉलेट केवाईसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पेटीएम की किसी भी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। अगर पेटीएम वॉलेट केवाईसी नहीं होगी तो किसी भी तरीके की पेटीएम की सर्विसेज को एक यूज़र यूज़ नहीं कर सकता है। हालांकि पेटीएम की सभी सर्विसेज को यूपीआई के माध्यम से कनेक्ट करके बैन होने के बाद भी बहुत सारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं। जी हां, अगर आपके पास भी किसी तरीके का बैंक अकाउंट है और आप पेटीएम की सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पेटीएम को यूपीआई से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का यूपीआई वाला सेटअप लिंक दे दूंगा, आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा, उस नंबर से अकाउंट बना लीजिएगा जो नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक हो। सिंपली उस नंबर से अकाउंट बनाकर यूपीआई पर क्लिक कीजिएगा। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपका यूपीआई सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। एक ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा यानी किसी को फर्स्ट टाइम मनी ट्रांसफ़र ज़रूर कर लीजिएगा, जिसके बाद आपका यूपीआई पेटीएम से सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप पेटीएम की सर्विसेज को यूपीआई के माध्यम से कनेक्ट करके बैन होने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। जो पेटीएम वॉलेट केवाईसी बैन है उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। जैसे ही इसके बारे में वॉलेट केवाईसी अनबैन की न्यूज़ निकलकर सामने आएगी, आपको इस चैनल पर ज़रूर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। तो मेक श्योर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी के बटन को दबा के रखिएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट निकलकर सामने आएगा मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर सबसे पहले अपडेट देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरी राय में तो पेटीएम वॉलेट केवाईसी जल्द से जल्द खुल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूज़र पेटीएम वॉलेट केवाईसी से जूझ रहे हैं। आपको पेटीएम वॉलेट केवाईसी से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा अगर आप पेटीएम के सच्चे यूज़र हों तो।